कम लोगों को ही महान से महान और कठिन से कठिन कार्य करने का मौका मिलता है। अगर मुझे मिला है तो मैं सौभाग्यशाली हूं, तो क्यों घबराऊं? पूरा करके दिखाया। देखिए हनुमान जी के पूरे स्वरूप पर ध्यान दें आप। हनुमान जी को एक कार्य दिया गया, कर्म योग का रूप बता रहा हूं आपको। सीता जी की खोज के लिए भेजा गया। अब काम तो इतना ही था कि सीता जी का पता लगाकर आइए कि वहां लंका में ही हैं या नहीं, और हैं तो कहां हैं, किस स्थिति में, ये जानकारी लेकर आइए। और उनके साथ एक दल दिया गया। हनुमान जी ने दल को तो वहीं बैठा दिया और खुद लंका पहुंचे। कैसे पहुंचे ये सब वर्णन आप लोग कथाओं में सुनते हैं, मैं जो बताना चाहता हूं कुछ अलग। हनुमान जी जैसे लंका में पहुंचे तो सबसे पहले तो ये खोजना था कि सीता जी कहां हो सकती हैं। तो सभी जितने भी भवन वहां के थे वहां देखे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उन्होंने रावण के महलों को भी देखा और हर एक प्रदेश के लोगों की एक अलग तरह की आकृति होती है, तो उस आकृति को भी मिला करके देखा। तो आखिर में उनको समझ आया कि यहां कोई भी ऐसे दिव्य स्वरूप वाली दिव्य मूर्ति नहीं है। महिलाएं यहां की जिस शैली में जीती हैं उसी तरह की दिखाई दे रही हैं, इनमें सीता जी नहीं। उस समय कोई फोटो तो होता नहीं था ऐसा। तो पूरा भ्रमण करने के बाद जैसे सुबह सूरज उगने लग रहा था तो उनको समझ आया, उपहरे गिरिनाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रोजायत, नदियों के संगम में, पर्वतों की गुफाओं में या प्रकृति के श्रम्य वातावरण में कोई भी प्रभु का प्यारा या देव संस्कृति से युक्त व्यक्ति उस समय ध्यान में बैठा मिलता है, भक्ति में बैठा मिलता है। तो उन्हें समझ आया कि सीता जी किसी भी ऐसे प्राकृतिक श्रम्य वातावरण में ध्यानस्थ मिल सकती हैं, देव पूजा करते हुए मिल सकती हैं। तो एक छोटी सी नदी के किनारे किनारे वो गए और जाकर वहां उन्होंने एक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में सीता जी को ध्यानस्थ देखा। सूर्य की किरणें उनके मुखमंडल पर पड़ रही थी, एक दिव्य आभा उनके चेहरे की देखी और वो देखकर आनंदित हुए, यही है माँ सीता, दर्शन किए। और वो कथा आप लोग आगे जानते हैं, मैं इससे अगली बात बताता हूँ। दर्शन किए, अब उसके बाद उनको ये समझ में आ गया कि सीता जी को भी मिल लिए, लेकिन मेरे प्रभु का दिया हुआ कार्य, जिस कार्य से मुझे भेजा गया था, पूरा तो हुआ नहीं अभी। पूरा तब होगा जब मैं पहले शत्रु के विषय में पूरी उसकी शक्ति का पता लगाऊं, कितनी शक्ति है इनकी, कैसा अस्त्रागार है, कैसा इनका रहन सहन है और कैसे कैसे योद्धा है। और फिर दूसरा काम ये करना है कि इन लोगों के मस्तिष्क में एक भय भी पैदा करना है कि अभी एक आया है, अगर और आ गए तो क्या करके जाएंगे, तो ये भी बताना बहुत जरूरी है। और फिर ये भी करना होगा कि राम जी को यहां सफल होने के लिए यहां का कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जो अंदर का पूरा भेद बता सके, तो वो भी ढूंढना होगा, क्योंकि केवल एक ही काम नहीं करना। तो उन्होंने उसके बाद आप देखते हैं कि वहां रावण के कुछ बेटों को मारा भी सही, लंका को जलाया भी सही, जलाने के बाद उनके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद जायजा भी ले लिया कि यहाँ की ताकत क्या है। वो सब को करने के बाद फिर ये भी देख लिया कि यहाँ कौन ऐसा है जिसको अपने साथ मिलाया जा सकता है। विभीषण को ढूंढा, जिसे राम जी से जाकर के मिलाया, उनकी प्रेरणा से ही मिले और उसी के कारण सफल हुए। कर्म योगी का मतलब है एक काम दिया जाए, बुद्धिमत्ता से सब चीजों को समझ करके और इस तरह से पूरा करे कि सफलता पूरी तरह से मिल सके। और उससे भी ज्यादा अद्भुत बात, जब हनुमान जी वापस लौटे हैं
तो अपने बैठे हुए जिस दल को छोड़कर गए थे उसे साथ लिया और उनको सोचना दी, काम पूरा हो गया, ये सब करके आ गया हूं। उसके बाद प्रभु राम के सामने जब पहुंचे हनुमान, तो वीर हनुमान ने जाकर ये नहीं कहा मैंने ये किया, ये कहा हमारे दल के द्वारा ये कार्य पूर्ण हुआ। अपने दल को, पूरे ग्रुप को सम्मान दिलाया। और जब राम जी को पता लगा दल तो यहीं छूट गया था, हनुमान जी अकेले गए लेकिन अपने पूरे ग्रुप को सम्मान देना चाहते हैं, तो उस समय उन्होंने हृदय से लगाकर कहा तुम मम प्रिय भरत सम भाई, हनुमान तुम तो भरत जैसे भाई हो, इतना प्रेम दिया। आप समझिए, कोई एक सेवक जब सही कर्म करके अपने कर्म को ऊंचाई पर पहुंचा देता है तो वो कर्म उसे सम्मान दिलाने के साथ सदा के लिए उसके लिए एक मेडल बन जाता है जो उसके जीवन में लग जाता है। जानकारी के लिए थोड़ा सा भी किसी को भेजा जाए, जाओ पता करके आओ, तो इतना ही नहीं होता, पूर्ण जानकारी देना और जिस उद्देश्य से भेजा गया उस उद्देश्य से जुड़ी हुई सब बातों को पूरा करना, ये सब कर्म योग के अंतर्गत आता है। आजकल प्रबंधन का समय है, बहुत सारा इस तरह के मैनेजमेंट कोर्सेज चलते हैं जिसमें सिखाया जाता है कि किस तरह से आप जो है बिजनेस मैनेजमेंट को, टाइम मैनेजमेंट को सिखाने की बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन ये मैनेजमेंट जो हनुमान जी का बड़ा अद्भुत है, कैसे एक काम दिया गया और उसे किस तरह पूरा करना है, इसलिए हनुमान जी के लिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम शब्द से उनको संबोधित किया जाता है। ज्ञानियों में अग्रणी है हनुमान। सेवक बनना ईश्वर का, समाज का सामान्य बात नहीं है, उसे बहुत गुणी समझदार होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो तत्काल हर स्थिति परिस्थिति में हर वक्त तैयार हो और जो धन्यवाद देने के लिए तत्पर रहता हो, समस्याओं से घबराए नहीं, समस्याओं का सामना करने के लिए जो शेर बन जाए, लेकिन मान दिया जा रहा हो तो विनम्र बनकर कहे मैं इसके काबिल नहीं हूँ, इतनी विनम्रता जिस व्यक्ति में है और जो ये मानता है कि मुझे ही अगर ये अवसर मिला तो भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस योग्य समझा गया, कि मुझे ये काम दिया गया, और जो काम मिले उसे शानदार ढंग से किया जाना चाहिए। विनोबा भावे का एक दिव्य गुण था, एक बार सफाई करने के लिए गए, मोदी जी ने आजकल सफाई अभियान के लिए पूरे देश को आह्वान किया है और मैं भी उनकी तरफ से और अपनी तरफ से आह्वान करूंगा, हमें भी ध्यान रखना चाहिए, सभी को इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। तो एक जगह सड़क साफ कर रहे थे विनोबा भावे, बहुत अच्छे से साफ सफाई कर रहे हैं, तो किसी ने आके पीछे से पूछ लिया ये सड़क है महाराज, घर तो नहीं है, आप तो ऐसे साफ कर रहे हैं जैसे यहीं बैठकर कोई भोजन करेगा। तब उन्होंने क्या कहा, कर कौन रहा है, अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे हाथ जहां लगे वो पहचान बन जानी चाहिए कि मैंने किया है। आपका कर्म आपकी पहचान बने, ये काम इस व्यक्ति का है, इससे हल्के काम की उम्मीद नहीं कर सकते आप, ये करेगा तो शानदार ढंग से करेगा, उच्च श्रेणी का कार्य इसका है, यह आदमी हल्के ढंग से कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को हल्का मत बनाइए, और हल्के बनते हम अपने कर्म से, और जब आपका कर्म ऊंचा होता है तो आपकी जिंदगी ऊंची होती है, और जिंदगी ऊंची होती है तो आपकी कीर्ति ऊंची होती है। कहते हैं कि सफलता पाने में लापरवाही भी दोषी बनती है, फिजूल खर्ची भी दोषी बनती है,
और सही जानकारी का अभाव भी दोषी बनता है। आदमी को सूत्र नोट करने चाहिए, क्योंकि ये जो मैं सुना रहा हूँ आपको, ये ऐसी कथा नहीं है कि सतवचन महाराज कहा और निकल गए। ऐसी कथा भी होती है ना, भीम जी ने हाथी की पूंछ पकड़ी, गोल गोल घुमाया और इतने जोर से ऊपर फेंका, आज तक हाथी नीचे ही नहीं आया। सतवचन महाराज, आंखें बंद करके बैठे रहो, बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो निवेदन करना चाहता हूं, कर्म योगी बनना जीवन का यह सूत्र है जिसके लिए हम लोग अग्रसर होंगे। तो कृष्ण का योग 18 अध्यायों में अलग अलग रूपों में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। तो योग करें, स्वयं को परमात्मा से जोड़ना, ज्ञान से जोड़ना, कर्म से जोड़ना, प्रयोग करें, उपयोग करें, उद्योग करें और शक्ति पाकर फिर सहयोग करें। तो योग शब्द के साथ कुछ उपसर्ग लगा करके जो शब्द बन जाते हैं वो मैंने बताया। अब अगला बिंदु बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जल्दी से अगली बात भी बोलनी है। एक वचन पर मैंने ज्यादा ध्यान दिला दिया आपका, कर्म योग पर, और इसको इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि हम लोग कर्म को छोड़कर भाग्यवादी ज्यादा बन गए। अपने हाथों की लकीरों पर कम भरोसा करना, अपने दोनों हाथों पर ज्यादा भरोसा करना, बस ये आपको याद रखना है। दोनों हाथों पर भरोसा करोगे किस्मत बदलेगी। इसलिए मैं कहता हूं मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। बहुत भाग्यशाली बना दिया गया हम लोगों को, और इसका परिणाम ये है हर दिन हम यही देख रहे होते हैं, देखना महाराज किस्मत में क्या लिखा है, कुछ बनेगा भी या नहीं बनेगा। विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है, ज्योतिषी ने आकर ये कह दिया महाराज युद्ध करने के लिए मत जाइए, अभी आपकी रेखा, ये जो भाग्य चक्र है, माउंट बना हुआ है, यहां बृहस्पति वाले स्थान में जुड़ी नहीं है। उन्होंने तलवार उठाई, अपनी रेखा अपने आप बना के कहा मिल गई क्या। पंडित ने हाथ जोड़ दिए, बोले महाराज जिसके पास इतना बड़ा साहस है उसके लिए कोई दिशा रुकावट नहीं, वो हर जगह सफल ही सफल है। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, यही तो एक दिव्य गुण था, असंभव को संभव करने का गुण उनका था। उनकी रफ्तार बड़ी अद्भुत थी, मुगलों से तीव्र गति से चलते थे वो, समय को कैलकुलेशन करके गणना करके कहां कितने समय में पहुंचना है। और ऐसा वीर योद्धा जिसने पानी में लड़ने का भी उद्योग करके दिखा दिया, जल सेना थल सेना वाली बात उस समय कहां लोग कर पाते थे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सब कुछ संभव हो सकता है अगर किसी व्यक्ति में कुछ करने की आकांक्षा होती है। तो कर्म योगी बनना, ये एक बिंदु था। अब अगले बिंदु पर हम लोग चलेंगे। अगला बिंदु है साधक बनिए। साधक वह जो तपस्वी है, वह जो भक्त है, वह व्यक्ति जो कठिनाई में भी अवसर देखता है। अवसर में कठिनाई नहीं, हम सभी लोग इस तरह के लोग हैं, अवसर कोई मिला तो उसमें कठिनाई देखने लग जाते हैं। नहीं, अवसर तो बहुत बड़ा है, किंतु परंतु अगर मगर लेकिन लेकिन, मुश्किल बात है, आसान से नहीं होने वाला, और हो सकता कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये जो अवसरों में कठिनाई ढूंढने वाले लोग हैं, ये जीवन में कहीं पहुंच नहीं पाते। और जो अपने कठिनाई के दौर में भी, हर कठिनाई में भी
एक न एक अवसर ढूंढता है वो लोग हमेशा आगे पहुंचा करते हैं। इसलिए आप अवसर ढूंढिए। जीवन में तीन अवसर भगवान हर किसी को देता है, अगर उनका उपयोग कर लिया तो आप कहीं से कहीं। इसलिए जो रिस्क लेना जानते हैं जिंदगी में वो लोग बहुत आगे जाते हैं। सही रिस्क लेना, सही जोखिम लेना आ जाए बहुत बड़ा गुण होता है। और साधक वह व्यक्ति है जिसकी ये कोशिश होती है कि जिंदगी की खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि जिंदगी की खूबसूरती ये है कि आपसे कितने लोग खुश हैं। आप दूसरों को खुशी बांटना भी जानते हैं और खुशी में जीना भी जानते हैं और खुशी में रह करके उस मालिक को धन्यवाद करना भी जानते हैं। तो साधना के लिए ब्रह्म वेला को चयन करें, अपने समय का चयन करें, अपनी माला अपने आसन का उपयोग करें, अपने नियमों का प्रयोग करें, गुरु के बताई गई विधि का उपयोग करें। और ऐसा माना जाता है ध्यान गंगा, विद्या गंगा, भजन गंगा, ये ऐसी गंगाएं हैं जिनमें हर रोज डुबकी लगानी चाहिए। और जो पृथ्वी की देव गंगा है उसमें डुबकी कभी कभी लगाने का मौका मिलता है, लेकिन ध्यान की गंगा में रोज डुबकी लगाएं, विद्या की गंगा में रोज डुबकी लगाएं। आपके पास में कोई ना कोई ग्रंथ होना चाहिए। देखिए 5151 वर्ष हो गए गीता को प्रकट हुए और पूरे संसार की सभी भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है और इसका रसपान पूरा संसार कर चुका है। तो भारतवासियों के घरों में भी गीता जरूर होनी चाहिए। गीता गंगा गहो गायत्री का सम्मान जरूर करिए। गुरुओं के देश में हमें इस बात को बहुत ध्यान देना है। आपके घर में गीता जरूर हो। जिसकी कसम खाकर कोर्ट में व्यक्ति बयान देता है वो गीता साधारण नहीं। जिसने लोकमान्य तिलक को कर्मयोगी बना दिया, जिस गीता पर महात्मा गांधी भी प्रभावित हुए, जिस गीता को पढ़कर राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि फांसी डराने के लिए आती जरूर है लेकिन मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि हम वो लोग हैं जो आत्मा की अमरता पर विश्वास करते हैं, गीता के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। यही तो वो ग्रंथ था जिसका प्रभाव करतार सिंह सराभा जैसे व्यक्ति को फांसी की कोठरी में, जो हिंदुस्तान की क्रांतिकारी लोगों के बीच अग्रणी व्यक्ति रहा करतार सिंह सराभा, जिसने आखिरी समय में भी मजाक की थी फांसी की कोठरी में कैद किया हुआ, आखिरी टाइम में भी उसने मजाक किया, उसको जेलर ने ला करके आम खाने को दिए। उसका दोस्त जेल कोठरी में था जिसको पत्थर तोड़ने के लिए ले जाया गया, तो इसने आम खाया और उसकी गुठली निकाल के उसमें हवा भरी और आम को वैसे ही रख दिया छिलकों को। और जब उसे फांसी पर ले जाने लगे तो मजिस्ट्रेट आ गया, घड़ी देखकर बोला अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, तुम्हारी कोई इच्छा? बोले मेरे मित्र को कहना कि मैंने उसके खाने के लिए आम रखे हैं। चला गया, फांसी हो गई। उसका दोस्त आया तो उसने देखा कोठरी खाली पड़ी है तो आंख में आंसू आ गए, तो उसने कहा वो चला गया मेरे लिए कुछ कह के गया? बोले तुम्हारे लिए आम रख के गया। जैसे उसने आम खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वो तो छिलका ही हाथ में आ गया, तो उसने कहा दोस्त गया जरूर है पर तेरे मजाक करने की आदत आखिरी तक नहीं गई। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना, ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में।
यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली।